सिक्योरिटी वाला इतना देर से गेट लगा रहा है। शरीर समय खिला देता है यार। ये तो एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको बहुमत में आना, आपको सरकार बनाना, लेकिन आम लोगों पे उस पर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका जो वोटिंग था, उनका जो मतलब अपना सिलेक्शन व्यूज था, उन जो जिस प्रायोरिटी से वो लोगों को चुन रहे थे, नेताओं को चुनते हैं कि किस तरह से अपने पॉलिसी को, पार्टी का हर पार्टी का एक अपना पॉलिसी होता है, उस हिसाब से वे लोग अपना सेलेक्टेड करते हैं। लेकिन इस तरह से सरकार बदलती है तो पूरी व्यवस्था बदल जाती है, पूरी नीति बदल जाती है। हर सरकार की एक अपने काम करने की पॉलिसी होती है कि वो किस एरिया को अपना पॉलिसी बना रहे हैं, कि डेवलपमेंट को लेकर चल रहे हैं कि नहीं लेकर चल रहे हैं। लेकिन आम जनता के हिसाब से अगर मेरा विचार रहेगा तो सरकार जो भी हो, मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार जिस तरह से एक साल कोलिशन गवर्नमेंट में रोज़गार के ऊपर युवाओं के लिए काम की थी, वो काम होनी चाहिए। और दूसरा बात यह है कि विधानसभा का इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो स्टेट है, जो डिमांड कर रहा है आपको, आपने केंद्र सरकार से कि हमको स्पेशल वो दीजिए, उसको स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अति पिछड़ा आते हैं ड्यू टू हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, हमारे पास बहुत ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो केंद्र सरकार अब जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बना चुकी है, तो अब इस विचार के ऊपर उनका विचार रहना चाहिए कि हम लोगों को स्पेशल स्टेटस दी जाए। और दूसरी बात कि रोज़गार के ऊपर जो भाव है, सरकार जिस तरह से काम की थी वो काम होना चाहिए। इस सब हमारा विचार है युवाओं के लिए, और प्रगति रहना चाहिए डेवलपमेंट का। देखिए, बिहार में सरकार ऐसे बदलती है जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सरकार बदलती है तो लोग के मन में बस एक सवाल होता है कि अब जैसे काम हो रहा था, जैसे वैकेंसीज आ रही थी बिहार में, वैसे आएगी कि नहीं कंटिन्यू, ये सवाल होता है। क्योंकि कोलिशन होता है अलग अलग राजनीतिक दल का, तो दल के साथ उसी तरह से काम हो पाएगा कि नहीं आएगा, स्टूडेंट के मन में भी सवाल रहता है। उसके बाद आपको जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी ये सवाल बना रहता है कि क्या उसी फ्लुएंसी से काम करेगी सरकार कि नहीं करेगी, कि अब किसी और तरह का प्रेशर बनेगा। जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही सरकार बदली तो दोनों जो पहले कॉलिशन गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना अपना ऐड दिया कि ये काम हमने करवाया, ये काम हमने करवाया। अब जनता को ये फैसला करना होता है कि काम कैसे हो रहा था। अब ये सवाल बना रहता है कि अगर उन्होंने करवाया था तो अब तो कॉलिशन अलग है, अब आएगी कि नहीं वैकेंसी, ये सवाल जनता में बना रहता है। ये एक पॉलिटिक्स का एक नुकसान जो है सीधा सीधी जनता पे होता है। उनके लिए सवाल मंशा बनी रहती है, जो काम जैसे हो रहा था वो होगा कि नहीं, इस तरह का दुविधा। सिर्फ वहाँ तो आप तो सरकार बना लिया, लेकिन जनता के मन में क्या है, ये जनता की परेशानी के लिए आप कितना सोच रहे हैं, कितना तात्पर्य हैं, ये इस चीज़ का तो नहीं हो पाता ना। जनता पे आप विश्वास कैसे अपना जताइएगा। नीतीश कुमार जो भी हैं, आप पे 5 साल क्यों नहीं आप रह पा रहे हैं एक पार्टी के साथ, बार बार आप ऐसा माहौल क्यों सेट कर दे रहे हैं, इससे आपकी राजनीतिक छवि ख़राब हो रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या उम्मीद करेंगे इस नई सरकार से? इस नई सरकार से हम उम्मीद यही करेंगे कि जिस फ्लुएंसी से नौकरी आ रही थी बिहार में, आनी चाहिए, युवाओं को जैसा मौका मिल रहा था मिलना चाहिए, कार प्रगति पे था बिहार का, वो कंटिन्यू होता रहना चाहिए। पार्टी कोई भी रहे, मुद्दा जो है ग्राउंड लेवल की जो राजनीति है वो ज़रूर होनी चाहिए, मेरा मानना यही है। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जिस भी स्थिति में नीतीश कुमार पहले काम कर रहे थे वैसे ही इनको काम करना चाहिए, तभी बिहार की जनता पे इनका विश्वास बना रहेगा। हालांकि अभी बहुत तगड़ा झटका लगा है जनता को कि क्यों ऐसा है कि बार बार एक प्रभावी नेता, ये 9वीं बार शपथ लिए हैं उन्होंने, 9वीं बार शपथ लिया है, उसके बाद भी एक स्टैंड ऐसा नहीं है कि जिसमें एक शपथ ऐसा नहीं है जो वो अपने दम पर लिए हों। इससे जनता को बड़ा नुकसान है, बिहार की जनता को नुकसान है इसमें, ठीक है। बिहार की राजनीतिक लॉस तो है ही है, उसके साथ साथ जनता को नुकसान है कि बिहार के पास अपना एक ऐसा मजबूत सीएम नहीं है
जो 5 साल कंटिन्यू कर सके। हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट जो है 15 साल कंटिन्यू की, हमने देखा कि नुकसान भी हुआ उसका। और अभी जो है आपको जब मौका मिल रहा है, आप वर्किंग मिनिस्टर बन के आए हैं, वर्किंग सीएम की तरह आपको लोग देख रहा है, तो फिर आप ऐसी घटना क्यों कर देते? किस तरह का आपके ऊपर प्रेशर है या आपके लोगों के ऊपर प्रेशर है जो आप जो है इस तरह का डिसीज़न ले लेते हैं? आप कॉलिशन में हैं, ठीक है, जिसके साथ 5 साल पूरा कीजिए, फिर आप बीच मझधार में छोड़ के जनता का एक पूरी तरह से विश्वास ब्रेक करके आपके पास क्या मजबूरी होती, जनता वो जानना चाहती, ठीक है। उसके बाद आप पे कंटिन्यू रखिए अपनी प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स, तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें जनता का विश्वास बने। फ्लोर टेस्ट में एनडीए की फिर से वापसी हुई है, इससे जनता को फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से बिहार को मिला है। केंद्र में भी एनडीए है, भाजपा की सरकार है, और बिहार में भी है, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को भी फायदा होगा। 17 महीना ये तेजस्वी जी गिनाते हैं कि 17 महीना में हम रोज़गार दिए। हम बात करते हैं कि रोज़गार मिला है बीपीएससी लोगों, शिक्षक लोगों को काफ़ी सीटें आई हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन रोज़गार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, उनके लिए भी संभव होना चाहिए जो बिहार में फैक्ट्री लगाने का काम करें। हमें उम्मीद है कि एनडीए डबल इंजन की सरकार में लोगों को फ़ायदा मिले, और इस बार सरकार सबसे ज़्यादा फोकस फैक्ट्री लगाए, कारखाने की ज़रूरत है। गुजरात के तर्ज पर देखिए, गुजरात के सूरत कई ऐसे ज़िला हैं जहाँ 2000-10000 फैक्ट्रियाँ हैं, तो पढ़े लिखे के लिए तो रोज़गार का काम उस सरकार में भी हुई। लेकिन इस सरकार में हम उम्मीद जताते हैं कि डबल इंजन की सरकार में केंद्र की जो विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा, ये उम्मीद हम लोग को है, और बिहार में डबल इंजन की सरकार की ही ज़रूरत है ताकि फैक्ट्री पर भी काम हो और हम लोगों, जनता के जितने लोगों, उनको भी फायदा मिले। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट था स्पीकर के विरोध में और जो है पास हो गया है, किस रूप में देखते हैं इसको? हाँ, 125 उनके अगेंस्ट गया है स्पीकर के। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार जब बिहार में आएगी, जैसे पहले डेवलपमेंट हो रही थी, अब मुझे आशा है कि बिहार का विकास, चहुमुखी विकास बहुत अच्छे ढंग से होगा। मुझे याद है लगभग 2019 या 20 में एक गया बोधगया में मीटिंग हुई थी, शाहनवाज हुसैन साहब उस समय उद्योग मंत्री थे बिहार के, एक बहुत बड़ा गया में औद्योगिक हब बनाने की बात आई थी कि 1700 एकड़ ज़मीन में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बनने की बात आई थी। ये सब गठबंधन, महागठबंधन की सरकार आने के बाद में सारी चीज़ें ब्रेक हो गई, उसका विकास का कोई काज हुआ नहीं। फिर मैं सुना हूँ कि उस पर फिर ये चर्चा फिर शुरू हुई है, और इसमें जो विकास पहले के 10 सालों में बहुत अच्छे ढंग से नीतीश सरकार ने की थी, इधर के कालों में वो कभी इधर उधर जाने से इसका विकास में बहुत बाधा पड़ी है, और धीरे धीरे कुछ क्राइम भी बढ़ना शुरू हो गया था, और फिर से वो अभी पूरे रूप से तो जंगल राज नहीं आ पाई थी, मगर उसका रूप लेना शुरू कर दिया था। इसलिए बहुत अच्छा हुआ, बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है, बिहार के विकास के लिए बहुत अच्छा हुआ है। अब फ्लोर टेस्ट इसके बाद होने वाली है, देखिए क्या रिजल्ट आता है। ऐसे तो जब अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के प्रति जो आया है, इसी से क्लियर हो जाती है कि फ्लोर टेस्ट में भी नीतीश जी की सरकार आएगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेंद्र सजवार।